स्टूडेंट्स सो हम लोग ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे और ऑटोकॉइड्स के अंदर हमने अभी तक पढ़ा है हिस्टामिन के बारे में और हमने एंटी हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे। और जब हमने हम हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो हिस्टामिन होती है उसके हमारे पास वो बेसिकली तीन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती है, H1 रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स और H3 रिसेप्टर्स। सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास H1 रिसेप्टर्स के एंटागनिस्ट है यानी कि H1 रिसेप्टर्स वाली जो एंटीहिस्टामिन्स थी उनके बारे में कवर कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर वी विल कवर अबाउट द H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के अंदर जो हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग आती है वो आती है हमारे पास सीमेटिडीन। सो H2 रिसेप्टर्स एंटागनिस्ट के अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के अंदर हमारे पास जो ड्रग आती है वो आती है हमारे पास सिमेटिडीन। मतलब हमारे पास बेसिकली बहुत सारे ड्रग्स आती है लेकिन जो सिमेटिडीन ड्रग है वो हमारे पास वन ऑफ द जो हमारे पास प्रोटोटाइप ड्रग्स है वो आती है इन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अब जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है उसके अंदर जो सिमेटिडीन ड्रग है वो हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट H2 ब्लॉकर्स के अंदर आती थी। अब हमारे पास जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है इनके हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इन एक्शंस की वजह से हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि हमारे पास जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ये हमारे पास कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है प्रीलिमिनरी एक्शन हमारे पास सिमेटिडीन का कहाँ पे आता है, तो हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन को सिमेटिडीन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। जब हम हिस्टामिन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हिस्टामिन जो है वो स्पेसिफिकली H2 रिसेप्टर्स के ऊपर जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है और हमारे पास क्या कर देता है, हमारे पास जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं उनको इंक्रीज कर देता है। अब जब हमारे पास अब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के अंदर हमारे पास पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, हमारे पास HCL है, जो ये सारे हमारे पास एसिड्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे पास फूड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब अब अगर हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू हिस्टामिन्स तो हमारे पास हाइपर एसिडिटी, अल्सर्स जैसी कंडीशन आएंगी। तो इसीलिए हमारे पास जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है वो यूज किए जाते हैं क्योंकि हमारे पास इनका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ये हमारे पास ब्लॉक करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, पेप्सिन की सिक्रीशन को और उसके अलावा हमारे पास जो कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन होती है इन द केस ऑफ हिस्टामिन उसको भी ब्लॉक करते हैं। और हमारे पास इसी वजह से जो हमारे सिमेटिडीन ड्रग है ये पेप्टिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट को एसिलरेट यानी कि इन हमारे पास जो ट्रीटमेंट चल रही है किसी पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर की तो उसको उसकी जो ट्रीटमेंट की स्पीड है उसको इंक्रीज करने के लिए हम सिमेटिडीन यूज करते हैं क्योंकि सिमेटिडीन क्या करता है हमारे पास ब्लॉक कर देता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन और पेप्सिन की सिक्रीशन जिसकी वजह से हमारे पास पेप्सिन पेप्टिक अल्सर्स की जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाती है। अब उसके अलावा ये जो हमारे पास ड्रग है ये हमारे पास सिक्रीशन को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, जो अदर सिक्रीशंस है हमारे पास जैसे सेलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन है या लैक्रिमल सिक्रीशंस है, हमारे टियर ग्लैंड्स की सिक्रीशन है उसको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। और उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिक और ईसोफेजियल जो मोटिलिटी होती है जो मूवमेंट होती है स्मूथ मसल्स की उसको हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो है वो हमारे पास अफेक्ट नहीं करते। उसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अलावा भी हमारे पास जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं उनके कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे पास H1 रिसेप्टर्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता लेकिन हमारे पास जो H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से हमारे पास गिनी पिग के अंदर देखा गया है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है गिनी पिग होता है
उसके ऊपर हमारे पास जो सिमेटिडीन ड्रग है जब दी गई, तो सिमेटिडीन ने यूटराइन रिलैक्सेशन यानी कि यूट्रस की जो वॉल है उसको रिलैक्स करवाया, और सेकेंडली हमारे पास कार्डियक स्टिमुलेशन देखी गई थी। और सिमेटिडीन उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम्स लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करती हैं उनको हमारे पास इनहिबिट करता है। तो सिमेटिडीन अगर हम किसी पेशेंट के अंदर दे रहे हैं तो हमारे पास जो लिवर के अंदर एंजाइम्स हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज करेगी उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारे पास लिवर के अंदर जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स है जब उनका लेवल हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, फर्दर हमारे पास हमारी जो ड्रग्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होंगी और इसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज होती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो सिमेटिडीन ड्रग है वो डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो अभी एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। तो हमने बेसिक जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं उनके एक्शंस के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा कि हमारे पास जो सिमेटिडीन है ये हमारे पास इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, सेकेंडली क्या इनहिबिट करती है पेप्सिन की सिक्रीशन को, और ये हमारे पास अफेक्ट नहीं शो करती गैस्ट्रिक और ईसोफेजियल मोटिलिटी के ऊपर। सो नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास कुछ एक्शंस गिनी पिग के अंदर देखे गए, जहाँ पे गिनी पिग्स के अंदर हमारे पास जो सिमेटिडीन ड्रग है वो हमारे पास यूटराइन रिलैक्सेशन करवा देती है, कार्डियक स्टिमुलेशन करवा देती है, और इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होती हैं उनको इनहिबिट कर देती है। अब अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें हमारे सिमेटिडीन की, तो हमारे पास ये वेल एब्जॉर्ब ड्रग्स हैं, हमारे पास लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती है और किडनी के थ्रू हमारे पास एक्सक्रीट हो जाती है, प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं जो सिमेटिडीन हमारे पास ड्रग है, और हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाती जिसकी वजह से हमारे पास CNS इफेक्ट्स जो है वो सिमेटिडीन के प्रिवेलेंट नहीं है। अब सिमेटिडीन जो है उसके हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि हमारे पास गायनोकोमास्टिया और इम्पोटेंस कॉज करता है सिमेटिडीन मेल्स के अंदर। तो उसके अलावा हमारे पास जो ये ड्रग्स हैं ये हमारे पास हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग और मसल पेन जैसे साइड इफेक्ट्स कॉज करता है, लेकिन जो मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो क्या है हमारे पास गायनेकोमास्टिया कॉज करता है और इम्पोटेंस कॉज करता है मेल्स के अंदर सिमेटिडीन। अब अगर डोजेस की बात करें और बाकी एजेंट्स की बात करें H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहला हमने सिमेटिडीन के बारे में पढ़ा, और सिमेटिडीन जो है वो हम 200 टू 300 mg यूज करते हैं एट बेड टाइम एज अ टेबलेट और इंजेक्शन। लेकिन सिमेटिडीन ने अपना धीरे धीरे, ये प्रोटोटाइप तो है हमारे पास, लेकिन अब धीरे धीरे जो सिमेटिडीन का यूज है वो बहुत कम हो गया क्योंकि सिमेटिडीन के हमारे पास कुछ स्पेसिफिक और सिवियर साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा हम जो न्यूअर एजेंट्स हैं उनको यूज करते हैं। न्यूअर एजेंट्स कौन से हमारे पास, जैसे रैमटिडीन है। अब मोस्टली हमारे पास जो प्रेपरेशंस आती हैं H2 रिसेप्टर्स की जो कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं, तो वो हमारे पास रैमटिडीन यूज होती है या फिर एसिड सेक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए। रैमटिडीन जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर ड्रग है, लेस टॉक्सिक ड्रग है, और हमारे पास जो डोज रिक्वायर्ड होती है दैट इज 150 टू 300 mg और फॉर 6 to 8 weeks के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट हो जाती है। रैमटिडीन के अलावा हमारे पास निजार्टिडीन ड्रग यूज होती है, निजार्टिडीन के अलावा हमारे पास रॉक्सार्टिडीन ड्रग यूज होती है, रॉक्सार्टिडीन के ड्रग के अलावा हमारे पास कॉक्सार्टिडीन ड्रग यूज होती है। अब ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं सिमेटिडीन, रैमटिडीन, कॉक्सार्टिडीन और रॉक्सार्टिडीन, निजार्टिडीन, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती हैं, और ये जो ड्रग्स हैं ये हम इनके मेजर हमारे पास दो यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हाइपर एसिडिटी होती है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी जिसकी वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स कॉज हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस हो जाता है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है ईसोफेगस के अंदर, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट को यूज करते हैं।
और उसके अलावा स्ट्रेस अल्सर्स और ल्यूकीमिया के पेशेंट्स के अंदर भी हम सिमैक्लिडिन या रेटिडिन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग्स बेसिकली यूज करते हैं. सो अब इसके अलावा हमारे पास H3 एंटागनिस्ट भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. H3 एंटागनिस्ट के अंदर हमारे पास थायोपेरामाइड और क्लोबेनप्रोपिड जैसी ड्रग्स आती हैं, लेकिन हमारे पास जो इनकी यूटिलिटी है वो अभी डिफाइंड नहीं है. तो आपके सेवन में आपके पास मेन जो है वो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट और H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है. सो विद दिस आपका जो हिस्टामिन वाला पोर्शन है वो फिनिश होता है. अभी हम बात करेंगे एक और ऑटोकॉइड के बारे में विच इज सेरोटोनिन. सो जो सेरोटोनिन ऑटोकॉइड है, सेरोटोनिन को हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन भी बोलते हैं. ये भी हमारे पास अमीन्स के अंदर आता है. जब हमने ऑटोकॉइड की क्लासिफिकेशन करी थी तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास पेप्टाइड्स, अमीन्स और लिपिड्स के फॉर्म में हमारे पास ऑटोकॉइड्स होते हैं, और उनके अंदर अमीन्स के अंदर हमने हिस्टामीन के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट अमीन जो हमारे पास आता है दैट इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, या फिर हम इसको शॉर्ट के अंदर 5-HT भी लिखते हैं. और ये जो 5-HT होता है ये हमारे पास सेरोटोनिन होता है. सो जो सेरोटोनिन है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑटोकॉइड्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर आता है. अब जो सेरोटोनिन है, जब हमने हिस्टामिन के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो हिस्टामिन है वो हमारे पास मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स से रिलीज होता है. अब जो सेरोटोनिन है वो हमारे पास जो एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स हमारे GIT के अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर और CNS के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से हमारे पास रिलीज होता है सेरोटोनिन. और उसके अलावा हमारे पास CNS के अंदर रिलीज होता है, पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास सेरोटोनिन रिलीज होता है. और CNS के अंदर और हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेरोटोनिन है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है हमारे पास. जो हमारे न्यूरोट्रांसमिशन या मैसेजेस की या स्टिमुलस की कंडक्शन होती है उसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है सेरोटोनिन. अब जो सेरोटोनिन होता है ये हमारे पास 5-HT रिसेप्टर्स के थ्रू वर्क करता है. जैसे हिस्टामिन हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर्स के थ्रू वर्क कर रहा था, हमारे पास 3 रिसेप्टर्स थे H1, H2, H3, वैसे ही इन द केस ऑफ सेरोटोनिन हमारे पास 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 और 5-HT4. सो अब हमारे पास जो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं. अब इन रिसेप्टर्स के लिए हमारे पास जो एगनिस्ट हैं वो हमारे पास जो ड्रग्स हैं, हमारे पास बसपिरोन जो है, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स जो LSD होता है, और उसके अलावा मिथाइल 5-HT और जो मीटोग्लोप्रामाइड है, ये हमारे पास सारी ड्रग्स जो हैं ये एज अ एगोनिस्ट वर्क करती हैं. यानी कि जो हमारे पास 4 टाइप के हमने रिसेप्टर्स पढ़े कि हमारे पास सेरोटोनिन के केस में 5-HT1 से लेके 5-HT4 तक हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4. तो इनके ऊपर हमारे पास सेरोटोनिन जैसा एक्शन दिखाता है, बिल्कुल सिमिलर एक्शन हमारे पास जो बसपिरोन के अलावा हमारे पास LSD है, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स होता है, उसके अलावा हमारे पास जो मिथाइल 5-HT है, और मिथाइल 5-HT के अलावा हमारे पास जो मीटोग्लोप्रोमाइड ड्रग होती है. ये चारों जो ड्रग्स हैं और इनके अलावा और भी ड्रग्स हमारे पास एगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं. जैसा एक्शन हमारे पास सेरोटोनिन शो करता है हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके, वैसा ही एक्शन हमारे पास बसपिरोन, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव LSD, मिथाइल 5-HT और मीटोग्लोप्रामाइड हमारे पास सिमिलर एक्शन शो करते हैं. अब जो हमारे पास सिंथेसिस होता है सेरोटोनिन का, वो हमारे पास
बेसिकली जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होती है उसके थ्रू हमारे पास सेरोटोनिन का सिंथेसिस होता है। हमारे पास जो सेरोटोनिन का सिंथेसिस है वो ट्रिप्टोफैन से होता है, और ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है, जैसे हमने पढ़ा था हिस्टामिन के केस में हिस्टिडीन से हमारे पास हिस्टामिन की फॉर्मेशन हो रही थी, वैसे ही सेरोटोनिन के केस में हमारे पास ट्रिप्टोफैन से हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है सेरोटोनिन की। अब सेरोटोनिन के हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जिसकी वजह से हमारे पास फिजियोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का प्रेजेंस है। सो कैसे एक्शंस होते हैं, तो अगर इनिशियली बात करें तो जो हमारे पास सेरोटोनिन है ये हमारे पास एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि मैसेजेस के कंडक्शंस को हमारे पास हेल्प करता है। तो नेचुरल डीपोलराइजर है ये हमारे पास। अब जब हमने न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास नर्व के एंडिंग में टर्मिनल पे जब हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है तब हमारे पास जो नर्व मैसेज का कंडक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है, और जब हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तब हमारे पास जो मैसेज का कंडक्शन है वो वहीं स्टॉप हो जाता है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन की जनरेशन होती है। सो जो हमारे पास सेरोटोनिन है वो हमारे पास बेसिकली एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब हमारे पास जो सेरोटोनिन है ये हमारे पास एक पोटेंट नेचुरल डीपोलराइजर है नर्व एंडिंग्स के ऊपर, और हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आते हैं ड्यू टू स्टिमुलेशन या फिर इनहिबिशन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब सबसे पहले अगर बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर तो हमारे पास सेरोटोनिन का एक्शन देखा गया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। हमारे पास इन केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे पास ट्राईफेजिक रिस्पॉन्स आता है सेरोटोनिन का। तो क्या होता है, हमारे पास बेसिकली ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आता है सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन के केस में हमारे पास इनिशियली फॉल हो जाता है बीपी, फिर बीपी जो है वो राइज कर जाता है और हमारे पास अल्टीमेटली फॉल कर जाता है बीपी। सो व्हाट हैपन्स सेरोटोनिन का एक्शन कैसे आता है, हमारे पास जो सेरोटोनिन है उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर ट्राईफेजिक रिस्पॉन्स आता है। ट्राईफेजिक रिस्पॉन्स यानी कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है उसके तीन फेजेस होंगे, और हार्ट के अंदर हार्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सो हमारे पास इनिशियली जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा, फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा, फिर अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा। अब सेकेंडली हमारे पास जो इसका इफेक्ट आता है दैट इज ऑन स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स हमारे पास जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं और ब्रोंकियल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इन द केस ऑफ हमारे पास जीआईटी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कॉज होती है विद हमारे पास सेरोटोनिन जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जीआईटी के स्मूथ मसल्स की और ब्रोंकियल मसल्स की, और उसके अलावा हमारे पास पेन और इचिंग कॉज होती है, जैसे इंसेक्ट बाइट के अंदर हमारे पास कॉज होती है वैसे ही हमारे पास सेरोटोनिन के एक्शन की वजह से स्मूथ मसल के ऊपर हमारे पास पेन और इचिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे पास सेरोटोनिन है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, और इसी वजह से हमारे पास जो सेरोटोनिन है वो इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है हमारे पास इन्फ्लेमेशन के अंदर, माइग्रेन के अंदर। हमारे पास नर्वस सिस्टम में टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर सेरोटोनिन रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं और मूड और एंजाइटी चेंजेस होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास सेरोटोनिन रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे पास हीमोस्टेसिस के अंदर के लिए भी हमारे पास सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास 5-HT2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जब सिमुलेशन होती है 5-HT2 रिसेप्टर्स की तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए और हीमोस्टेसिस कॉज करने के लिए। लास्टली हमारे पास जो एक्शन आता है सेरोटोनिन का दैट इज ऑन द ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स के ऊपर हमारे पास क्या एक्शन आता है, जो सेरोटोनिन है वो हमारे पास HCL की और पेप्सिन की जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज करता है, और जो बाकी के ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर हमारे पास मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सो
कि हमने पढ़ा कि सेरोटोनिन के क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। तो अगर एक बार ये रिवाइज करना चाहें तो कैसे होगा हमारे पास। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमारे पास जो ब्लड प्रेशर, हमारे पास ट्रायफेजिक रिस्पॉन्स आता है, ब्लड प्रेशर इनिशियली फॉल करता है, फिर राइज करता है और फिर अल्टीमेटली फॉल कर जाता है। सेकेंड हमने एक्शन पढ़ा स्मूथ मसल्स के ऊपर, और स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है GIT के मसल्स की और ब्रोंकियल मसल्स की, और उसके अलावा हमारे पास पेन और इचिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं। थर्डली हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम के अंदर, और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास सेरोटोनिन बहुत सारे एक्शंस शो करता है, जैसे हमारे पास अब न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरोटोनिन, तो उसकी वजह से हमारे पास थर्मोरेगुलेशन के अंदर, बिहेवियरल चेंजेस के अंदर, मूड और एंजाइटी के पैटर्न्स के अंदर, और उसके अलावा हमारे पास माइग्रेशन और इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेरोटोनिन। फोर्थ जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा हीमोस्टेसिस के अंदर, और हमने पढ़ा कि 5HT2 रिसेप्टर्स प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जब हमारे पास स्टिमुलेशन होती है 5HT2 रिसेप्टर्स की, तब हमारे पास जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट एग्रीगेशन है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, और उसके अलावा हमारे पास हीमोस्टेसिस जो है वो हमारे पास मेंटेन रहता है। लास्टली हमने पढ़ा कि ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट करता है सेरोटोनिन, हमारे पास डिक्रीज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, और उसके अलावा हमारे पास HCL की सिक्रीशन को। लास्टली अब ये था हमारे पास सेरोटोनिन के एक्शंस। तो सेरोटोनिन के एक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट के बारे में। तो हमारे पास डिफरेंट सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट प्रेजेंट हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के हमारे पास मेजर सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव 5HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब जो नॉन सेलेक्टिव है वो क्या है, हमारे पास एंटी हिस्टामीन, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, और इसके अलावा हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन जो है, ये सब हमारे पास नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं सेरोटोनिन के। अब जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होंगे ये बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े सेरोटोनिन के उनको हमारे पास रिवर्स करवा देंगे, फिर उनको बिल्कुल अपोजिट हमारे पास एक्शन शो करेंगे जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होंगे। अब उसके अलावा हमारे पास जो सिलेक्टिव हमारे पास सेरोटोनिन रिसेप्टर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट आते हैं, उनके अंदर हमारे पास मेजर जो मेन प्रोटोटाइप हमारे पास ड्रग है दैट इज मेथिसर्जाइड। अब मेथिसर्जाइड जो ड्रग है ये हमारे पास एक अर्गोट डेरिवेटिव अल्कलॉइड होती है। हमारे पास 5HT2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, अब लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग आती है दैट इज मेथिसर्जाइड। अब मेथिसर्जाइड जो ड्रग है वो हमारे पास 5HT2 रिसेप्टर्स की एग्नेस्ट है, हमारे पास एंटागोनिस्ट है। 5HT2 रिसेप्टर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा कि प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो सेरोटोनिन है वो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को हमारे पास सिमुलेट करता है। सो इन केस ऑफ मेथिसर्जाइड जो कि हमारे पास सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, वो हमारे पास जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको स्टॉप करेगा, और उसके अलावा हमारे पास जो मेथिसर्जाइड है वो हमारे पास माइग्रेन की ट्रीटमेंट के अंदर, और हमारे पास डायरिया की ट्रीटमेंट के अंदर, जो हमारे पास नर्वसनेस, इंसोम्निया, हमारे पास जो हम मेथिसर्जाइड है, मेथिसर्जाइड हमारे पास स्पेसिफिकली माइग्रेन और हमारे पास डायरिया की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है, और हमारे पास इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि नर्वसनेस, इंसोम्निया, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, और इसकी जो डोज यूज की जाती है दैट इज 2 mg ट्वाइस और थ्राइस अ डे। अब मेथिसर्जाइड के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट आता है दैट इज सिप्रोहेप्टाडीन। अब जो सिप्रोहेप्टाडीन हमारे पास ड्रग आता है वो हमारे पास 5HT2A एंटागोनिस्ट होता है। सो और हमारे पास 5HT2A रिसेप्टर्स को इनहिबिट करने के अलावा एसिटाइलकोलीन, हिस्टामीन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास सिडेटिव इफेक्ट्स शो करता है। अब जो हमारा सिप्रोहेप्टाडीन ड्रग है
ये हमारे पास एपेटाइट्स को एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है और हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर मेजर फंक्शन मेजर रोल हमारे पास प्ले करता है। और हमारे पास वेट गेन के लिए ये जो सिप्रोहेप्टाडीन है वो ड्रग दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास पिजोटिफेन किटानसेरीन रेस्पेरिडोन और नानसिट्रॉन और क्लोजापिन जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास हिस्टामिन एंटागोनिस्ट होती हैं और यूज़ की जाती हैं फॉर डिफरेंट कंडीशंस। अब अगर ओंडांसिट्रॉन की बात करें तो ओंडांसिट्रॉन हमारे पास मेजरली वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है और क्लोजापिन जो ड्रग है वो हमारे पास एज ए एंटी साइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती है। रेस्पेरिडोन जो ड्रग है वो भी हमारे पास एज ए एंटी साइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती है और किटानसेरीन जो ड्रग है वो हमारे पास एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ की जाती है और जो हमारे पास पिजोटिफेन ड्रग है वो हमारे पास एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज की जाती है इन केस ऑफ माइग्रेन। सो विद दिस आपके जो सेरोटोनिन हमने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेरोटोनिन के बारे में पढ़ा, उसके एक्शंस के बारे में पढ़ा और लास्टली हमने कवर करा कि जो हमारे पास सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोस्टाग्लैंडिंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।